वादा तुम्हारा हो तो बैठे रहेंगे हम, ताबूत में भी सांस को रोके रहेंगे हम। किसी भी व्यक्ति का नाम तब और भी बड़ा हो जाता है जब उसका काम ही उसकी पहचान बन जाता है। श्री विट्ठल भाई पटेल, जिन्हें उनके चाहने वाले हमेशा भैया कहकर पुकारते रहे, एक ऐसा नाम है जिसे फिल्मों से लेकर राजनीति तक हर क्षेत्र में प्रेम और सम्मान के साथ याद किया जाता रहा है और याद किया जाता रहेगा। वैसे तो उन्होंने कभी फिल्म जगत में आने का सोचा नहीं था, लेकिन राज कपूर जी के विशेष आग्रह पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिल्म तो मुझे राज कपूर जी ले आए थे। एक बार उन्होंने मुझे फोन किया, विट्ठल भाई अपनी डायरी लेकर आ जाओ। मैं डायरी लेकर गया। रात को 11 से सुबह 5 बजे तक एक ही कविता वो सुनते रहे। 5 बजे तो बोले विट्ठल भाई चलो। वो मुझे चांदनी चौक के गुरुद्वारे में ले गए, बोले माथा टेको। मैंने माथा टेका। बाहर आए तो बोले ये लो 1 रुपया, मेरी अगली फिल्म के गीत का राग। मैं कहा राज कपूर जी, मैं बहुत धार्मिक और व्यापारिक परिवार से हूँ, शायद मुझे परिवार वाले फिल्म में लिखने की अनुमति ना दे। बोले आप अपने घर वालों से पूछ लीजिए, इसके बाद मुझे बता दे। सागर आया तो मुझे माता जी ने कहा नहीं बेटा, फिल्मों में अच्छे लोग नहीं जाते, कि मेरे बड़े भाई थे। उनके जब राज कपूर जैसा निर्माता निर्देशक स्वयं ऑफर दे रहा तो हमें मना नहीं करना चाहिए। श्री विट्ठल भाई पटेल ने बॉबी फिल्म में गीत लिख कर सुपरहिट शुरुआत की और अपने पहले ही गीत से फिल्म जगत में छा गए। ये गाना राज कपूर को मैंने सुनाया था, बोले विट्ठल भाई कैची करो। 1 महीने तक मैं कोई बुखड़ा नहीं लिख पाया। एक दिन सिम्मी का फोन आया राज कपूर साहब को। राज कपूर बोले सिम्मी झूठ बोलेगी तो कौआ काटेगा। मैंने कहा यार को बड़ा कैची है। मैंने तुरंत कागज पर लिखा, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डर, मैं मैके चली जाऊंगी। और फिर जो सिलसिला चला तो उन्होंने 50 से ज्यादा हिंदी फिल्मी गीत लिखे। शायद बीवी ओ बीवी, सत्यम शिवम सुंदरम, स्वीकार किया मैंने, सन्यासी, हरजाई, दौलत, धूप छांव, विश्वनाथ, नजराना प्यार का, ऐसी कई फिल्में हैं जो विट्ठल भाई के गीतों से सजी। हिंदी फिल्म जगत को उन्होंने कई ऐसी यादगार सौगातें दी हैं जिन्हें कौन भुला सकता है। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। जब जब जो जो गुनाहे तब तब सो सो होता है। जब जब जो जो कला और संस्कृति के गढ़ बुंदेलखंड में एक व्यावसायिक परिवार में जन्मे श्री विट्ठल भाई पटेल का गीत और साहित्य के प्रति गहरा रुझान और उनकी प्रतिभा ही थी जिसने उन्हें छोटे से सागर शहर से सिनेमा के महासागर यानी मुंबई नगर तक पहुंचाया।
प्रसिद्धि के शिखर पर रहते हुए भी वे अपने शहर को कभी नहीं भूले। बुंदेलखंड की धरती बहुत उरोरा है, अनेक मोती है वहाँ पर, और आज भी हमारे बुंदेलखंड के आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव, ये सारे बम्बई में धूम मचा रहे हैं। कला, संस्कृति और खनिज, इन सब में बुंदेलखंड का जवाब नहीं। शायद ये उनके संस्कार और जीवन मूल्य ही थे जो उन्हें फिल्मी दुनिया को अलविदा कह समाज सेवा के लिए वापस अपने शहर सागर ले आए। राजनीति में ईमानदारी की बहुत कमी, इसलिए मैं समाज सेवा के लिए। वे अपने क्षेत्र से विधायक चुने गए और 10 साल तक सत्ता में रहते हुए उन्होंने ऐसे कई कार्य किए जिसकी वजह से वे बेहद जनप्रिय नेता के रूप में स्थापित हुए। सिर्फ एक एक रुपए के जन सहयोग से सागर शहर में स्वच्छता का अभियान चलाना और किशोर कुमार की समाधि के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाने वाले श्री विट्ठल भाई ही थे। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब मैंने हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगाना शुरू किया तो मेरे साथ 1,000 नौजवान टाई और ब्लेजर पहनकर साथ में झाड़ू लगाते थे, और इसे मैं मानता हूँ कि गांधी जी आज भी जिंदा है हमारे भीतर, आपके भीतर। एक साधारण व्यक्ति की तरह रहने वाले सहज, सरल और विनम्र श्री विट्ठल भाई पटेल का संपूर्ण जीवन स्वच्छ, बेदाग और एक अभूतपूर्व मिसाल है।